हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिंस में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं किस सिरप की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है न्यूरोकाइंड सिरप। न्यूरोकाइंड सिरप को कब और कैसे लेना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कितने दिनों तक इसे लेना होगा, कितने दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। न्यूरोकाइंड सिरप एक डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाले दवाओं में से एक है। यह एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक सिरप है। यह 200 ml की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 160 रुपये, यानी 160 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है मीकोबालामाइन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे तो मिली ही जाती है। अगर ना मिले तो आप इसे मेडिकल स्टोर वाले को ऑर्डर दे के भी मंगवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे किन किन प्रॉब्लम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, कई लोगों को कमजोरी की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के शरीर में हमेशा दर्द रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, कभी कहते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, कभी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, कभी कहते हैं कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब वो दर्द से परेशान ही रहते हैं, शरीर में जो है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर कोई बीमारी से उभरा हो, चाहे उन्हें डेंगू हुआ हो, या फिर चिकनगुनिया हुआ हो, या फिर मलेरिया हुआ हो, या टीबी हुआ हो, या टाइफाइड हुआ हो, कोई भी बड़ी बीमारी हुई हो उसके बाद शरीर रिकवर कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी इसे डॉक्टर देते हैं, ताकि जल्द से जल्द पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, उनके शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए इसे दिया जाता है। या फिर किसी के नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिससे वो परेशान रहते हैं, उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है। या फिर जिन लोगों को भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, उन्हें भी कई बार डॉक्टर इसे रिकमेंड कर देते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सिरप को इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए, इस सिरप को 1 स्पून सुबह, 1 स्पून शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है, उन्हें आप ये आधा स्पून सुबह, आधा स्पून शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इस तरीके से इसे देना होता है। कितने दिन तक इसे लेना होगा? कम से कम 20 से 30 दिन तक इसे यूज़ करना होता है, और रिजल्ट इसका आपको तीसरे चौथे दिन से ही देखने को मिलने लगेगा। अब हम जानते हैं कि ये जो दवा है, इसे लेने से क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट। दवा लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके शरीर पर खुजली चकते होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको उल्टे सा मन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।